देखो हारून, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। देखो अगर मैं साइका जैसी और के घर पैदा हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन हाँ, अगर मैंने साइका का लाइफस्टाइल अपना लिया ना तो मैं कसूरवार होंगी, लेकिन जितनी कसूरवार मैं होंगी उतने ही तुम भी होगे, क्योंकि मैं कब से तुम्हारी हेल्प मांग रही हूँ लेकिन तुम मुझे मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हो। प्लीज मेरी हेल्प करो हारून, मेरा हाथ थाम लो। देखो मैं अपने लिए गलत लाइफस्टाइल नहीं चाहती, मुझे अपना नाम दे दो, अपनी इज्जत बना लो मुझे। देखो साशा, तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे हमदर्दी है लेकिन मेरी शादी का फैसला लेकिन वीकिंग कुछ नहीं। देखो ये कमजोर और बुजदिल लोगों के बहाने होते हैं, पहले मोहब्बत के दावे करते हैं और इसके बाद छोड़ देते हैं हाथ। मैंने कभी कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया तुमसे, तुम कभी मेरी मोहब्बत नहीं रही। हारून हारून, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरी तो वाहिद उम्मीद तुम ही हो ना, तुम ही हो जो मुझे इन अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जा सकते हो। देखो अगर तुम मेरा हाथ थाम लोगे ना तो तुम एक मजबूर लड़की की मदद करोगे और ये नेकी का काम है, तुम्हें इसका अजर भी मिलेगा। हारून प्लीज मेरी हेल्प करो, देखो मेरा मान ना तोड़ो, मैं तुमसे बहुत उम्मीद लगाई हुई है। साफ बात तुम्हें बताऊं साशा, मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम वाकई मासूम हो या अपनी जिंदगी के इस रूप से तुम वाकई तंग हो। बहुत चालाक बन रहा है। हारून मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं बेकसूर हूं? देखो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम्हारी माँ ने जो चाल मेरे साथ चली है ना, उसने मेरे दिमाग को माफ कर दिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे अपने साथ खड़ा कर लो ना हारून, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें इन सारी उलझनों से निकाल लूंगी। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो हेलो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं हारून। अरे तू यहाँ पे क्या सर पे पट्टी बांध के बैठी हुई है? जा मुझे कुछ खाने के लिए ला दे, बहुत भूख लगी हुई है मुझे। तुझे अपनी भूख की पड़ी हुई है, मैं तो खुद कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। आया तो मुझे दूध और डबल रोटी ला के दे, और आते हुए ना मेरे लिए डॉक्टर से दवा भी ले आ। पता नहीं क्या हो गया है, सर में बहुत दर्द है मेरा और जिस्म भी टूट रहा है दर्द से। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है तेरे पास? कल तक तो इतने सारे पैसे थे, वो कहाँ गए? जहाँ से आए वहीं चले गए। सत्यानाश हो तेरा काम ही, तो फिर जुबे में हार आया, तुझे माँ का जरा एहसास नहीं है। जिस वक्त पैसे कमा के ला रहा होता ना, उस वक्त तुझे मेरा जुआ बुरा नहीं लगता, अब बातें सुना रही है मुझे। और तो वो ना जाने कमबख्त कहाँ जाके छुप गई है, घर से भी गायब है, मेरा नंबर भी ब्लॉक किया हुआ है उसने। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे जाल में फंस जाए ना वो, वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे, अय्याशी करेंगे। अरे भाड़ में जा तू और तेरी अय्याशी, मुझे दवा ला के दे, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। अरे अम्मा दवाई क्या, डॉक्टर ला के तेरे सर पे खड़ा कर दूंगा, तू दुआ कर नई सिम डालिए, फोन अटेंड कर ले बस मेरा। वो आज खाने में क्या बनेगा रात में? ऐसा करो कि नानी और आंटी से पूछ लो, फिर जो भी वो कहेंगी हम वो बना लेंगे। आज तो हारून भाई भी घर पर हैं, पता नहीं उनका मूड भी बहुत ऑफ है। मैं सोच रही थी कि उनकी पसंद का खाना बना लेते हैं, क्या पता इसी बहाने उनका मूड भी ठीक हो जाए। आप बताओ उन्हें क्या पसंद है? उन्हें राइस बहुत पसंद है, और जब नानी कोफ्ते बनाती है तो वो तारीफ नहीं करते पर खाते बहुत शौक से हैं, तो हमें अंदाजा है कि उन्हें कोफ्ते पसंद है। अच्छा फिर ऐसा करो कि नानी से रेसिपी पूछ लो, फिर हम वैसे ही बनाएंगे जैसे वो बनाती है। ठीक है मैं पूछ के आती हूँ। शायद फारिस की कॉल है। अननोन नंबर। हेलो, कहाँ मरी हुई थी तुम और मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया हुआ है तुमने? निम्रा, अगर मैं अपनी करने पे आ गया ना तो यकीन जानो वो सलूक करूंगा मैं तुम्हारे साथ के तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हेलो हेलो, यार तो ये फोन क्यों काट देती है मेरा? ये फिर कहाँ से आ गया है? मैं तो समझी रास्ते से हट गया है। क्या मैं चाचा को बताऊं या फारिस को कहूं? मुझे चाचा जान से कहना चाहिए। मुझे ये नंबर भी ब्लॉक कर देना चाहिए। मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। मैं अकेली नहीं हूँ। भाई ये फारिस और निम्रा तो ऐसे घर से गायब हुए हैं जैसे वापसी का रास्ता ही भूल गए हो। मेरी निम्रा से बात हुई थी, वो कह रही थी कि हम लोग चंद दिनों में आ रहे हैं। अच्छा, तुमको जरूरत से ज्यादा नर्म मिजाज सास नहीं बन गई हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। मैं ऐसी ही हूँ। हैरत इसी बात पे है कि तुम ऐसी हो। हेलो। हाँ निम्रा बेटा, कैसी हो? भाई बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं और तुम्हारी चच्ची तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। घर कब आ रही हो वापस बेटा? तुम्हारे बगैर घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। मैं ठीक हूँ चाचा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बस एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा बताओ। वो कामिल की फिर से कॉल आई है। कामिल? तो बेटा तुम उससे डरती क्यों हो? उससे डरने की जरूरत नहीं है। जितना डरोगी उतना ही डराएगा तुम्हें। और फिर जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे चचा और फारिस तुम्हारे साथ हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हरगिज ना घबराओ। बस जिस अंदाज में उसने मुझसे बात की थी मैं डर गई। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। ठीक है, अब तो ख्याल रखो बेटा और जल्दी वापस आना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ चाचा ठीक कहते हैं, डराया उसी को जाता है जो कमजोर पड़ता है। मुझे उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना, और अब मैं कमजोर हूँ भी नहीं। मेरा नाम फारिस के नाम के साथ जुड़ा है। वो मेरा मजबूत सहारा है। क्या हारून को भी डराया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हारून भला उनसे क्यों डरेगा? तो फिर ऐसा क्या है? हारून उनकी हर बात क्यों मानते चले जा रहे हैं? कौन है जो इस राज से पर्दा हटा सकता है? शायद सिर्फ हारून, और हारून कुछ बताने को तैयार नहीं है। नानी ने ये काम मेरे जिम्मे लगाया है। मुझे कोशिश तो करनी होगी। मुझे सायका बेगम से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन ये भी तो मालूम नहीं हारून की उलझन सायका बेगम ही है या कोई और मसला है। यार मैं दोस्तों की कंपनी छोड़कर अपना ट्रिप कैंसिल करके सिर्फ तुम्हारे लिए आया, पर तुम हो के सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही। तो नहीं आना था ना? किसने कहा आने को? क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? फारिस उस लड़की का नाम अभी तक तुम्हारे नाम से जुड़ा है और तुम कह रहे हो कि मैं गुस्सा भी ना करूं। सिर्फ नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है, ना वो मेरे घर में रहती है और ना ही मेरे दिल में। मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो। क्या मतलब वो अभी तक वापस नहीं आई? कौन आई थी उसकी? मैंने साफ साफ कह दिया ब्याह की जरूरत नहीं है, वही रहो अपने महके में। आखिर कब तक? एक ना एक दिन वापस तो आएगी ना यार। अगर उससे काम ना निकलवाना होता ना तो मैं उसे वापसी ही ना बुलाता, वही रहने देता सारी जिंदगी। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। बहाने, फारिस बहाने बनाना बंद करो। अरे फारिस बेटा, आने से पहले बता तो देते, मैं कुछ अच्छा ही पका लेती तुम्हारे लिए। अरे नहीं खाला, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे लिए दाल रोटी भी बना के लाएंगी ना, वो भी मेरे लिए मुर्म मुसल्लम से कम नहीं होगा। जीते रहो। सना से पूछो, मैं और तुम्हारे खालो तुम्हें कितना याद करते हैं, बल्कि हमने तो दिल से तुम्हें अपना बेटा मान लिया है। मैं भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ खाला, आप लोगों ने बेटा माना है ना, मैं बेटा बन के दिखाऊंगा। सलामत रहो, खुश रहो। सना, जाओ जाके फारिस के लिए रूम तैयार करो, साफ सुथरा करो, और 2-3 दिन से पहले तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हरगिज़ नहीं जाओगे। खाला मेरा बस चले ना तो मैं सारी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूं। अरे माँ सदके जाए, खुश रहे मेरा बच्चा। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। सना ये समोसे दो, फारिस के बहुत अच्छी शॉप के समोसे बहुत मजेदार है। खाओ बेटा, मैं आती हूँ। हाँ देखो, देखा कितना प्यार करती है तुमसे, तुम ये देखते ही खुश हो गई। तुमसे तो इतना तक नहीं पूछा कि आखिर कब तक तुम उनकी बेटी को आज की डोर थमाकर बिठाए रखोगे। क्योंकि वो मेरी खाला हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं उन्हें और उनकी बेटी को कभी धोखा नहीं दूंगी। फारिस, पता नहीं मुझे क्यों नहीं तुम्हारी बातों पे यकीन आता। अब तो आ जाना चाहिए तुम्हें कि चलो वो ठीक करो अपनी जिंदगी से। आजकल ऑफिस से देर से आ रहे हो, मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती। आप दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह मेरे सारे मसाइल दूर करे। मैं थक गया हूं। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिंदगी से कोई आस बाकी नहीं रही, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। जिंदगी अजीब बेरंग सी हो गई है। ऐसे नहीं सोचती बेटा, अभी तो देखो कुदरत क्या क्या रंग दिखाएगी तुम्हें। कितना चाहा था मैंने उसे, कितनी शिद्दत से उसकी आरज़ू की थी। क्या था अगर उसका साथ मिल जाता। बस बेटा, अब उसका नाम अपनी जुबान पर मत लाना, किसी और की उठ चुकी है। अपने चचा की घर की इज्जत मान जाओ, आप उसका नाम मत लेना। मैं जानता हूं दादी, अगर जब थक जाता हूं तो ये साख्ता ये सब सोचने लगता हूं। अभी सोचने में लगे, अभी तो इंशाअल्लाह कामयाबियों के बहुत सफर तय करने हैं तुम्हें। हिम्मत मत हार बेटा, अगर तुम हिम्मत हार गए तो तुम्हारी बूढ़ी दादी को कौन हौसला देगा। इस घर के सारे लोग तुम्हारी तरफ देखते, तुम उनका मान वो, उनका गुरूर, उनकी हौसले और हिम्मत की निशानी हो बेटा। चाय पियो। खुद को तन्हा मत समझ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाय लेकर आती हूँ मैं। और अगर वो वीडियो उनमें से कोई देख ले तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? नहीं, मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, खुदकुशी कर लूंगा। निम्रा, तुम यहाँ हो? एक काम कर दो। हाँ बोलो। नानी जान ने कहा है हारून भाई के कमरे में एक अच्छी सी चाय बना के भिजवा दो। मुझसे अच्छी चाय तो तुम बनाती हो, तुम बना दो ना प्लीज। बना दूंगी, वैसे मैं बना ही रही हूँ। थैंक यू। फिर एक काम करो, मेरे लिए भी बना दो। असाइनमेंट कर करके मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। बना देती हूँ, और कुछ नहीं, बस एक कप चाय। अच्छा कमरे में भी भिजवा देना प्लीज, ठीक है? मैंने आपको कितनी दफा फोन किया, मजा ले जो आपने पलट के कोई जवाब दिया हो मुझे। अरे भाई तहम्मुल से बैठ जाओ, जरूरी बात बतानी है तुम्हें। आज मैं गया था अपने बहुत पुराने दोस्त अकरम खान से मिलने के लिए। मैं तो उसको देख के हैरान रह गया, क्या कारोबार सजाया है उसने। कुछ अरसा पहले तक रोटी खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे उसके पास, अब क्या ठाट पाट है। ये आलीशान 2 मंजिला घर, पोर्च में गाड़ी खड़ी, तो हैरान हो गया। हमारे पास भी किसी चीज की कमी थोड़ी है, माशाल्लाह इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदाद है। पूरी बात तो सुन लो ना। वो मुझसे ना बातों बातों में बच्चों के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने भी अपने बच्चों के बारे में बताया, तो मैंने ऐमन के बारे में भी बताया। तो मुझसे कहने लगा कि यार मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। मैं फौरन उसका इशारा समझ गया। मैंने उनको खाने पे बुलाया है, वो आएगा अपनी बीवी के साथ। उनकी जरा अच्छी खातिर मदारत करना। खातिर मदारत में तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में भी किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन तुम ना अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि ऐमन का रिश्ता वहाँ होगा। क्यों भाई, कमाल की बात करते हो। मैं कह रहा हूँ खाते पीते लोग हैं, लड़का बहुत जबरदस्त है, खूबसूरत है, तो बगैर देखे ही इनकार कर रही है। जमशेद बस तुम ये समझो कि ऐमन का रिश्ता तय हो गया। कहाँ तय हो गया, कैसे तय हो गया? कान खोल के सुन लो। मैं अपनी लाडली बेटी को बिना देखे बिना समझे ऐसे ही किसी के हवाले करने वाला नहीं हूँ। अरे जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, उसका 2 मंजिला घर नहीं, महल है उसके पास। महल है कौन? और उनके पास एक गाड़ी नहीं है, इतनी गाड़ी है, इतनी गाड़ी, और चुटकी बजाते है ना वो नई से नई गाड़ियां खरीद सकते हैं। अच्छा पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? अब मैं तुम्हें बताऊं, उनका कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है। अरे फैक्ट्री है, फैक्ट्री है। तो बंदा ए खुदा है कौन ये तो बता दो। अरे वो अमीना खाला है ना, उनका पोता, पढ़ा लिखा खूबसूरत जवान, गोरा चिट्टा। अरे मैं उसकी तुम्हें क्या खूबियां गिनवाऊं। नहीं नहीं, तो क्या अमीना खाला ने रिश्ता मांगा है ऐमन? बस मैंने तय कर लिया है, ऐमन का रिश्ता होगा तो वही होगा। वाह, मैं समझा कि शायद उन्होंने फोन किया है, उन्होंने शायद हमारी बेटी के रिश्ते की बात की है। यहाँ तुमने खुद से ही फैसला कर लिया है, ऐसे नहीं होता। ये जो इतने पैसे वाले लोग हैं ना, अपने हम पल्ला लोगों में शादी वादी करते हैं, हम जैसे लोगों में नहीं करते। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है जमशेद? आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? लड़के को देखा और मैं लट्टू हो गई। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि बस यही मेरा दामाद बनेगा। अरे इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, ना मैंने कभी कच्ची गोली खेली है और ना ही मैं खेलूंगी। समझ आई तुम्हें? अच्छा इतना फलसफा सुनाने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि होगा कैसे? ये शादी निम्रा करवाएगी। निम्रा? वो कैसे? वो जो नानी है ना, वो तो निम्रा की दीवानी है। अरे सारे मशवरे वो निम्रा से करती है, उसके बगैर एक कदम भी वो बाहर नहीं निकालती। और वो लड़का भी सारी बातें निम्रा की मानता है। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता। अब तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनने बैठ जाना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये तो बेहतर ऑप्शन है। तो निम्रा से कहो बात चलाए। फिर करूंगी निम्रा से बात, लेकिन इतनी जल्दबाजी में नहीं, आराम से, सुकून से। ऐमन की शादी तो उसी घर में होगी। अरे इतनी जायदाद है उनके पास जमशेद, तुम्हारी सोच है। वो लोग इतने अमीर है, इतने अमीर है। वो लड़का भी हाय हाय इतना खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। सच, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मैडम साइका, अच्छा जरा सुनो तो क्या कह रही हैं। हारून, क्या बात है? लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत की जरा परवाह नहीं, इसीलिए तो मेरा मुतालबा पूरा नहीं कर रही। अभी तो मैंने सिर्फ 5 लाख मांगे और तुम 5 लाख देने से हिचकिचा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें 5 लाख अपनी इज्जत से ज्यादा प्यार। हेलो हेलो हेलो, हारून तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? चाय मैं लेकर आई हूँ। किसकी कॉल थी? सॉरी, आप बाथरूम में थे, आपकी कॉल आ रही थी, मैंने उठा लिया। कौन बोल रहा था? मैडम साइका। क्या क्या कह रही थी? मेरी आवाज सुनकर घबरा गई थी, कह रही थी गलती से फोन मिला दिया। मैंने कहा कि आइंदा आंखें खोलकर अपना फोन यूज करें। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, मैं बना लूंगा, तुम जाओ। मेरे जाने के बाद आप साइका को कॉल करेंगे ना? हारून, अफसोस की बात है, दोस्त भी कहते हैं और राज भी छुपाते हैं। आखिर आप मुझसे शेयर तो करें कि क्या हो गया है, क्या बात है। क्या हुआ मम्मा? तुम ठीक कहती थी, ये लड़की निम्रा हारून की लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। और ऐसा इत्तफाकन नहीं है, जरूर ये दोनों कुछ प्लानिंग कर चुके हैं। तो अब क्या होगा मम्मा? क्या इतनी मोटी आसामी से हाथ धोना पड़ेगा? मैं तो कितने ख्वाब देख चुकी हूँ। इतनी आसानी से मैं हार मानने वाली नहीं हूं। तुम एक काम करो, निम्रा को यकीन दिलाओ कि हारून तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं तो यकीन दिलाने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्या वो मेरी बात का यकीन करेगी? अरे ये घर की 4 दीवारी में महदूद से जिंदगी जीने वाली औरतें चालाकी में कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। डोंट वरी, सब हमारे हक में ही होगा। बस तुम हारून को कॉल करती रहो, उससे बार बार मिलती रहो, अपनी मोहब्बत का मजबूरी का रोना रोती रहो। अम्मा, you're a genius. इस घर के सब लोग कितना मान देते हैं, मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, उन्हें फखर है मुझ पर। अगर ये राज खुल गया तो क्या होगा? हारून, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? निम्रा बार बार इसरार कर रही है, अगर किसी कमजोर लम्हे में मैंने ये राज उसे दे दिया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। हारून, आप क्या सोच रहे हैं? तुम कब तक यहाँ हो? मेरा मतलब, आपने घर क्यों नहीं जा रही? कुछ दिन में चली जाऊंगी। कब? जब मुझे आपकी तरफ से तसल्ली हो जाएगी। अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल था तो उस रास्ते पर कदम क्यों रखा जो तुम्हें मुझसे दूर, बहुत दूर लेकर जाता था? ऐसी बातें मत करें। क्यों ना करूं? भरी दुनिया में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर तुम मेरे साथ होती तो ये सारा जमाना मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। कुछ नाते रूह के होते हैं हारून, मेरा आपसे कुछ ऐसा ही नाता है। हम एक दूसरे के बजायर कुछ नहीं है, और हम एक दूसरे के दर्द को शिद्दत से महसूस करते हैं। लेकिन क्या फायदा? इससे कुछ हासिल नहीं। तुम्हें देखता हूं तो मेरा एहसास-ए- ज़हन और बढ़ जाता है। तुम्हारी हमदर्दी मुझे तन्हाई की अमीक गहराइयों में धकेल लेती है। मुझसे अपनायत मत जताओ, मत कुरे दो मुझे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। चले जाओ। क्या हुआ निम्रा, नाश्ता सही से नहीं कर रही? सब खैरियत तो है? लगता है फारिस भाई की याद आ रही है। क्या रात में उनसे बात नहीं हुई? नहीं, वो मेरे दोस्तों के साथ घूमने गए थे। तो वो क्या फोन भी साथ लेकर नहीं गए? वैसे नूमी की बात में दम तो है, उन्हें तुमसे राब्ता तो करना ही चाहिए। हर रोज ना सही, लेकिन हर दूसरे या तीसरे दिन उन्हें तुम्हें कॉल तो करनी ही चाहिए। क्यों शैतानी कर रहे हो उसके साथ? क्यों निम्रा का दिल उसके हस्बैंड की तरफ से बुरा कर रहे हो? चलो। अच्छा बच्चों, जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल कॉलेज जाओ। जी नानी, बस जा रहे हैं। बैठने को नहीं कहोगे? क्यों आई हो यहाँ? पहले अच्छी सी चाय मंगवाओ और साथ खाने के लिए, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने पूछा है क्यों आई हो? अरे भाई अपने पैसे लेने आई हूँ, वरना मैं यहाँ क्यों आऊंगी? कभी एक, कभी दो, कभी चार, कभी छह, ऐसे पता नहीं कितने पैसे बटोर चुकी हो। अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। हिसाब किताब रखोगे, और वो भी मेरा। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? हिसाब किताब तो रखना ही पड़ेगा। मैं समझ गई। ये पट्टी उसी लड़की ने बढ़ाई है। ये तो हो नहीं सकता कि ये शर्मनाक राज तुमने उसके साथ शेयर किया होगा। इसे सच बताओ, उसे तुमने कहानी क्या सुनाई? और हाँ, वो वापस क्यों नहीं जाती? क्यों पड़ी हुई है तुम्हारे पास? कहीं अपने शोहर से तलाक तो नहीं ले ली? मेरे घर के मामलात में दखलअंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। उनका नाम भी मत लिया करो। अगर वो अपने शौहर को छोड़कर आ गई है तो सोचो, तुम्हारी सच्चाई देखने के बाद क्या तुम्हें अपनाएगी? नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर ये है चुपचाप चली जाओ यहां से। अरे भाई मेरे पैसे दे दो मुझे तो मैं चली जाऊंगी। वैसे हो तुम बड़े कंजूस। थोड़े हैं, कोई बात। थैंक यू। बस इतनी सी बात थी। खामखा मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया तुमने। बाय बाय मेरी जान। मैं क्या करूं? इस मसले का क्या हल हो सकता है? अगर तुम्हारी होती सोती को पता चल गया कि तुम उसकी दौलत मुझ पे लुटा रहे हो तो पता नहीं क्या हाल होगा उसका। इसलिए तो मैंने सोचा है कि सारा किस्सा जड़ से ही खत्म कर दो और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लगवा लूं। अच्छा, तो फिर कब कर रहे हो तुम ये नेक काम? बहुत जल्द। बस तुम देखते जाओ तो कैसे तुम्हारी लाइफ बदलता हूं। फारिस, देखो तुम भी ये बात बिल्कुल मत भूलना कि ये सारे दाव पेच तुम्हें मैंने सिखाए हैं, वरना तुम तो हार मान के बैठ गए थे। अच्छा चलो, ज्यादा बातें नहीं करो, कुछ ऑर्डर करो, मुझे भूख लग रही है यार। अच्छा हाँ, कुछ मंगवाते हैं। वेटर, क्या खाओगे फिर? हाँ कुछ भी। हमारा फेवरेट क्लब सैंडविच। नहीं, मैं वैसे सैंडविच भी खाऊं, लेकिन मुझे बर्गर खाना है। क्या मम्मा फिर तुम्हारे ऑफिस पहुंच गई और पैसों की डिमांड कर रही थी? कितनी बार समझाया है मैंने, इन्हें मना किया है, लेकिन वो बाज ही नहीं आती। हारून, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, लेकिन तुम ही बताओ मैं कैसे उन्हें मना करूं? वैसे अगर तुम चाहो तो ये सिलसिला हमेशा के लिए रुक सकता है। कैसे? मैं भला क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो सबूत दो। साइका के पास जो वीडियो और पिक्चर्स हैं वो मेरे सामने डिलीट कर दो। हारून, मम्मा तो मुझ पे भी भरोसा नहीं करती।